गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 चैप्टर 11 और प्रश्नावली 11.4 और पार्ट आपका 6, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 5 भेजा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको भेज दे, अब क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर क्यूब और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 3, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ 180 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। इसके बाद है आपका घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। और घनाभ का जो आयतन है उसका फार्मूला है, घनाभ का आयतन बराबर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, ठीक है। अब इसमें आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर और आधार का दिया हुआ है 180, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई हमें निकालनी है। तो h बराबर 900 बटे 180 बराबर 0.0 कट गई, 18 बन जाए तो सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब तो ये सेंटीमीटर में ये आ जाएगा, क्लियर है। तो घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर होते चले जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें दिया हुआ है आपका एक घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसे घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 60 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई ये दी हुई है 54 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई ये दी हुई है आपकी 30 सेंटीमीटर। इसके बाद है घनाभ घन का आयतन, क्योंकि घन की भुजा दे रखी है तो घनाभ के अंदर की, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का घनाभ का आएगा भुजा की क्यूब, तो यानी कि 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की संख्या घनाभ का आयतन का आयतन बटे घन का आयतन,
क्लियर है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है, 60 गुणा 50 गुणा 30, घन का आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6, 54 है ये, सॉरी 54, ये भी 54 है आपका, ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका कल सोल्यूशन आ जाएगा आपका 450, ठीक है। तो अतः घनाभ के अंदर, घनाभ के अंदर, घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, घन रखे जा सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाएंगे, किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं इसे, लेकिन समझ के जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप उसको ध्यान से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन कितना दिया हुआ है, 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, सेंटीमीटर, ठीक है, 140 सेंटीमीटर, और ये है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसका त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी 140 की आधी, 70 सेंटीमीटर, तो इसको जब करेंगे तो 0.7 मीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन इसने दिया हुआ है 1.54 और 22/7 आर दिया है 0.7 × 0.7 × ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर 1.54 × 7, ठीक है। अब 1.7 × 22, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करके आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर होगी, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन करके देख लेना, 1 मीटर ही आएगा, पॉइंट हटाओगे यहां से तो यहां 100 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया यहां 100 आ गया, तो 100 से 100 खत्म, ठीक है। 22 की
इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, तो आपका 1 मीटर आ गया। क्लियर है? मैंने आपके क्वेश्चन 5 तक इसमें समझाए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आप स्वयं करके देखेंगे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान से करेंगे आप, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।